कितने भैया, कितने की? 200 की एक है भैया, 500 में तीन दे रहे हैं, वुलन शर्ट दे रहे हैं। तो अब रफ्तार कितनी इसकी रफ्तार देखो तो, है ना रफ्तार? उसको डर लग रहा, पता नहीं कुछ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ है जहाँ पे झूले लगे हैं वहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहे ना आप, कि आप लोगों की क्या सोचते हैं, आप भी आ सकते हो बच्चों को इस पे? कैसे हैं आप सभी? हेलो कर दो सबको, हेलो। तो आज हम दोनों ने मैचिंग कर रखा है, और आज लोग आप लोगों से मेरे को बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। क्या बात करनी है? आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और पीछे लगा क्या समर फेस्टिवल, तो चलिए। अब से विंटर शुरू होने वाला है अगले मंथ से, वैसे तो हल्का हल्का भी शुरू हो गया है। तो हमारे जो प्लान होते हैं विंटर के, जो टूर प्लान होते हैं हमारे, तो शुरू होने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आगे तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों खुश हो? बहुत अच्छा है। क्या क्या अच्छा है आपको पता लग जाएगा, बस वीडियो में बने रहो। हाँ, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे, और ये समर फेस्टिवल सोलन, आज है 15 तारीख। बहुत ही खूबसूरत लगा है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस किस लोगों को मज़ा आ रहा है इस समर फेस्टिवल में, हिमाचल उत्सव। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, अभी पहुंचने वाले हैं। देखो नीचे सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ तो कोई लकड़ी का सामान बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों ने बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है, और हिमाचल उत्सव समर फेस्टिवल। तो लो जी, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर झूले लगे हैं वहाँ पर, देखो ये दिखाई दे रहे ना आपको सामने, अरे बच्चों के लिए खुशी खुशी इसको देखती है लड़की, दे है ना जो झूल रही, इसको देख रही है लड़की को, उसको डर लग रहा पता नहीं, उसको डर लग रहा है शायद इसमें ना, खुशी देखी। बट एक ही बच्चा इसमें बैठा है, लो जी उसको उतार दिया इसमें से, और इसमें देखो काफ़ी देर हो जाती है वाले झूले हैं ना जो, और मौसम देखो तो कितना अच्छा हो रहा है, और सामने स्टेज प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ये देखो तो मौसम देखो तो कितना सुहाना हो गया। दो चार ही लोग बैठे हैं, बट चलो फिर भी इसको झुला ही रहे हैं, देखो तो कितनी हाइट में है ये हिमाचल उत्सव सोलन और समर फेस्टिवल सोलन। देखो पहले हुआ हिमाचल उत्सव सबसे पहले, ठीक है, कोरोना के बाद, उसके बाद हुआ शून्य, फिर उसके बाद फिर से हो गया हिमाचल उत्सव, और अब क्या आएगा, अब आएगा दशहरा, तो दशहरे में भी आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोगों से मेरे को एक बात करनी है, कि आप लोगों की क्या सोचते हैं अभी मेला क्या होता है, मेला अगर आप, मैं पूछूं कि एक लाइन में आप परिभाषित करो मेले को, तो मेले की आप क्या डेफिनेशन दोगे? सब लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेले के बारे में क्या सोचते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि मेले का क्या अर्थ होता है, मेरे जो मैं सोचता हूँ। और यहाँ भी देखो ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, और ये किश्ती है जैसे बच्चों के लिए छोटी छोटी सी। पापा इधर देखो, इसमें लगता हूँ ना भाई डर, देखो तो इसमें तो ये चलो सेफली लगता है मेरे को भी, ये तो चलो सेफली होती है ये चीज़, ये झूला झूला, बट इसमें मेरे को लगता है डर लगेगा इसमें, देखो तो। अब इसकी रफ्तार देखो, अब रफ्तार कितनी इसकी रफ्तार देखो तो, है ना रफ्तार, और इसकी भी रफ्तार तो भाई इसी की है बस सिर्फ। अगर आपने बच्चों को बाइक पे बैठाना है ना, बाइक राइडिंग करनी, तो आप बाइक राइड भी करा सकते हो बच्चों को इस पे, ये देखो आप। अभी अंदर चलेंगे जो शॉप वगैरह है वहाँ भी चलेंगे, बट अभी बाहर बाहर से घूम रहे हैं हम, देखो बड़ी तेज चल रहा था ना, तो मैंने खुशी को दिखाने लेके आ गया मैं यहाँ पे। तो ये बताओ कौन कौन लोग कैमल पे बैठा है, मतलब कौन कौन लोग बैठे हैं, ये कमेंट करके बताओ पहले तो। दो ही आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं दो। अच्छा, एक से भले दो से भले दो। देखिए इतने प्यार से इनको सला रहे ना, ये देखो ये कुछ लगा रहे हैं, इनके कुछ शायद खारिश खुरिश की वजह से,
मच्छर लगा रहे ताकि मक्खी मुक्खी ना इन पे लगे। ये देखो इसमें लगा रहे चौबे। यहाँ से जो आपका स्टेज लगा हुआ आपके पास है दिल्ली सिक्स चाट भंडार, और ये वाली अन्ना डोसा स्पेशल छोले भटूरे सिक्किम चाइनीज, और सामने है पिज्जा हब, और उसके बाद आ गई आपकी हॉट डॉग वड़ा पाव वाली शॉप, उसके बाद है कौन सी है लाई पास, हाँ लाई पास्ता, उसके बाद है मुंबई वाले की मशहूर वड़ा पाव। मौसम देखो तुम्हारा मौसम, और अभी बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा ना जो कि बारिश शुरू हो जाए। और फाइव स्टार पिज़्ज़ा और मैंगो एंड नारियल जूस, धमाका सेल 10 रुपये के ये, और ये धमाका सेल 30-50, और ये धमाका सेल 100। ये देखो आप कितने अच्छे डिज़ाइन प्लेटें हैं ना, प्लेटें भी और ट्रे भी रखी हुई यहाँ पे, बहुत अच्छी है। मतलब जो घर की में यूज़ होती है ना वो वाली, मेरे को तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है वाली। देखो मैं अंदर पहुँच चुका हूँ, अंदर देखो ऐसी वाली शॉप्स लगी हैं अंदर, ये फर्स्ट रो यहाँ से ये आगे तक ये लगी है फर्स्ट रो, इस साइड भी शॉप लगी है और उस साइड को भी शॉप्स लगी है। ये देखो अगर मैं बात करूँ आपको दूसरी वाली साइड से, तो दूसरी वाली साइड में भी यही लगी है सेम, तीन रो है यहाँ पे 500 की तीन शर्टें मिली है। देखो ये भाई की शॉप है अपनी वाली, बस बढ़िया बढ़िया। कितने की भैया, कितने की? 200 की एक है भैया, 500 में तीन दे रहे हैं, फुलन शर्ट दे रहे हैं। देखो ये भाई की शॉप है फर्स्ट में ही, तो बोल रहा था ना मैं कि यहाँ पे देखो सेल लगी है 500 की शर्ट, और देखो कितनी भीड़ लगी है, 500 की तीन और 200 की एक। तो भाई अब तो लास्ट ख़त्म होने वाला है, अब तो आप ले सकते हैं। और भाई जो मेरे को पसंद आई, मेरे को तो ये वाली पसंद आई, ये वाली लोरे हैं बहुत अच्छी अच्छी है। और भाई सामने मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब, और बारिश होगी शुरू गाइस, अब होगा भी असली तांडव, बारिश शुरू हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। तो बारिश आ चुकी है और अभी लोग क्या करेंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा यार बेचारे यहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं। देखो सामने कितनी बारिश आ रही है, और अब अपना अपना सामान बेचारे इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी दिक्कत होगी इनको ना, और बारिश शुरू हो चुकी है, अब सब अब लोग अपना अपना सामान इकट्ठा करने लग चुके हैं। चेयर को ढक दिया जा रहा है, तो देखो ढक रहे हैं सारी चेयर ढक दी यहाँ पे, और हवा देखो कितनी तेज़ चली हुई भाई, इस बारिश ने ना सारा काम ख़राब कर देना सभी लोगों का। और अभी इतनी भीड़ थी, और अभी देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और यहाँ पे उसको ढक रहे हैं, बंद कर रहे हैं ना, और यहाँ से उठ रहा है, और ये लोग कहाँ जाएंगे यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश ने सारा नुकसान कर दिया है यहाँ पे, और लोग बेचारे सब इधर उधर खड़े हैं, और चेयर वगैरह सारी ढक दी गई है, ढक दिया गया है इसको, और बारिश शुरू हो चुकी है, और हम भी बस वापिस जा रहे हैं यहाँ से। बाहर बहुत बारिश तेज हो गई, बहुत ज़्यादा, जितने लोग बाहर ग्राउंड में थे ना वो सब किसी अंदर आ चुके हैं, सारे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ होगी यहाँ पे, अब जहाँ भी दिखाई देंगे ना पब्लिक सारी अंदर आ चुकी है सब किसम, और इतनी बारिश हो रही है, तो शुक्र जो ये लगा हुआ है यहाँ पे डोम सा लगा है ना, इस वजह से वरना इतनी दिक्कत होगी ना। देखो सारे हम फंस चुके हैं यहाँ पे, और बारिश हो रही है, अब हम कैसे जाएंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, छतरी हमारे पास है नहीं, हम भी दोनों हीरो बन के आ गए थे।